अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के क्विज नंबर 2 का सोल्यूशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऐसे हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह से वीडियो की डिजिटल स्किल्स की असाइनमेंट के क्विज वगैरह का सोल्यूशन और वीडियो की असाइनमेंट और उनके क्विज वगैरह का सोल्यूशन लाता रहता हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अलाउ कॉपी के नाम से जो एक्सटेंशन है उसे इंस्टॉल नहीं किया तो लाजमी से अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल करें, क्योंकि आप दौरान क्विज़ इससे हमें क्विज़ को कॉपी करके गूगल पर सर्च करने से काफ़ी मदद मिलती है और हमारे काफ़ी क्विज़ आसानी से हो जाते हैं जिन पर हमें डाउट होता है या जो हमें नहीं आ रहे होते। तो चलिए सिंपली अपने क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। तो क्विज़ को स्टार्ट करने के लिए आपने अपने LMS में लॉगिन हो जाना है, उसके बाद क्विज़ के सेक्शन में आ जाना और यहाँ पर आपसे टेक क्विज़ पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि ठीक है, तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो ये जो कि हो चुका है। इसके बाद आपने स्टार्ट क्विज़ पर क्लिक करना है तो सिंपली आपके क्विज़ हो जाएंगे स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म शेप लाइन एंड आर्क पॉइंट कंपाउंड पाथ। डॉट्स को कंबाइन करने से क्या बनता है, एक शेप बनती है ठीक है, तो इसका आएगा शेप, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ ब्रश टूल, ब्रश टूल की शॉर्टकट की क्या है, VBHC। तो ब्रश टूल की जो शॉर्टकट की है वो है बी ब्रश से ठीक है, तो इसका बी आएगा, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, विच फोटोशॉप टूल क्रिएट पाथ एंड शेप, मूव टूल, पेन टूल, लासो टूल, मैग्नेटिक टूल। लेकिन इसका हम लगाएंगे मूव टूल, पेन टूल, लासो टूल, मैग्नेटिक, तो इसका आएगा पेन टूल, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, शॉर्ट की ऑफ लेयर पैनल इज, लेयर पैनल की शॉर्टकट की क्या है, तो इसे हम करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी और गूगल पे जाएंगे और कंट्रोल वी पेस्ट करके हम देखते हैं कि इसका हमें क्या आंसर मिला। तो इसका है F7, तो ये आ चुकी है F7, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, इन अडोब इलस्ट्रेटर शॉर्टकट की ऑफ रूलर इज, तो इसकी क्या है, तो इसे हम कंट्रोल सी करेंगे, उस गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर जाके इसे कंट्रोल वी करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं, तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी ठीक है, तो इसका आ चुका है कंट्रोल प्लस टी ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसे चेक कर सकते हैं, तो इसका कंट्रोल टी आएगा, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आज के 6, इन अडोब इलस्ट्रेटर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हेल्प अस टू सिलेक्ट एन वन और मोर एंकर पॉइंट ऑफ द शेप, एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल रेंडमली सेपरेट सिंगल यूनाइटेड, तो इसे भी हम करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी और गूगल पे जाएंगे और जाकर इसे कर देंगे कंट्रोल वी से पेस्ट। तो इन यू सिलेक्ट सेक्शन टू सेलेक्ट देम सेल्स मल्टीपल पॉइंट्स, सेलेक्ट द डायरेक्ट सिलेक्शन एंड ड्रैग अ बाउंड्री एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट देम ठीक है, तो इसका आएगा सेपरेटली सिंगुलरली यूनाइटली, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट टूल सेलेक्ट देम सेल मल्टीपल पॉइंट्स, तो ये आ जाएगा सेपरेटली सिंगुलरली यूनाइटली रैंडमली, तो ये रैंडमली आ जाएगा, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आ चाहिए, शॉर्ट की फॉर क्रॉपिंग टूल इज, कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल ए कंट्रोल वी पेस्ट इज सी ठीक है, तो ये आ जाएगा सी, हम इसे करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, शॉर्टकट की फॉर डी सेलेक्टिंग इज, कंट्रोल प्लस डी, लेकिन हम फिर भी इसे चेक कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी इज कंट्रोल प्लस जी ठीक है, डी सेलेक्टिंग कंट्रोल प्लस डी आएगा, कंट्रोल प्लस जी कह रहा है वो, द शॉर्टकट फॉर सिलेक्शन और डी सिलेक्शन इज कंट्रोल प्लस जी, इसका आएगा कंट्रोल प्लस जी, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ अनग्रुप इन अडोब इलस्ट्रेटर, कंट्रोल सी और इसी तरह से कंट्रोल वी, तो
कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट कंट्रोल जी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, तो इसका पहले बार आएगा, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ पेन टूल इन अडोब फोटोशॉप। पेन टूल की क्या है, कंट्रोल सी कॉपी, इसके बाद कंट्रोल ए कंट्रोल वी एंटर, तो इसका आएगा अल्ट ड्रैग या पी, तो इसका आएगा पी, तो इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। तो फाइनली हमारे क्विज हो चुके हैं कंप्लीट, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने क्विज को आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।